बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक रोज समंदर के किनारे एक आदमी को मरा हुआ देखा। आपने देखा कि समंदर की मछलियां उसकी लाश को खा रही हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद परिंदे आकर उसकी लाश को खाने लगे। फिर आपने देखा कि जंगल के कुछ दरिंदे आए और वो भी उसकी लाश को नोचने और खाने लगे। आपने ये मंजर देखा तो आपको शौक हुआ कि आप अपनी आंखों से मुलाहिजा फरमाएं कि मुर्दे किस तरह से जिंदा किए जाएंगे। चुनांचे आपने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे यकीन है कि तू मुर्दों को जिंदा फरमाएगा और उनके अज्जा दरियाई जानवरों, परिंदों और दरिंदों के पेटों से जमा फरमाएगा, लेकिन मैं ये अजीब सा मंजर अपनी आंखों से देखने की आरजू रखता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अच्छा ऐ खलील, तुम चार परिंदे लेकर उन्हें अपने साथ मिला लो ताकि अच्छी तरह से उनकी पहचान हो जाए। फिर उन्हें ज़िबह करके उनके अज्जा बाहम मिला जुला कर उनका एक एक हिस्सा एक अलग अलग पहाड़ पर रख दो, और फिर उनको बुलाओ और देखो किस तरह से वो परिंदे जिंदा होकर तुम्हारे पास दौड़ते हुए आते हैं। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मोर, कबूतर, मुर्ग और कौवा, ये चार परिंदे लिए और इन्हें ज़िबह किया और इनके पर उखाड़े और इन सब का कीमा करके और आपस में मिला जुला कर इस मजमुआ के कई कई हिस्से किए और एक एक हिस्सा अलग अलग पहाड़ पर रख दिया और सबके सर अपने पास महफूज रखे। और फिर आपने उनसे फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से चले आओ। आपके फरमाते ही वो अज्जा उड़े और हर हर जानवर के अज्जा अलहदा अलहदा होकर अपनी तरतीब से जमा हुए और परिंदों की शक्लें बनकर अपने पांव से दौड़ते हुए हाजिर हुए और अपने अपने सरों से मिलकर बिल्कुल पहले की तरह अपनी असल हालत में मुकम्मल होकर उड़ गए। बिल्कुल इसी तरह से कयामत के रोज इंसानों को भी अल्लाह ताला दोबारा जिंदा फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाएगा।